लेकिन इंडिया वाला फीलिंग आ रही नहीं पूरा। अबे जंगलपुर में ये तू मुंह में देना बंद कब करेगा? ये भाई यहाँ की बेस्ट चीज, हर जगह जहाँ जाओ गणेश जी की मूर्ति, इवन क्लब के बाहर भी। भाई आकर तो समझ आ गया क्यों वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बीच क्लब है ये। सबसे पहले सभी को राम राम, और मैं निकल चुका हूँ अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए। मैं जा रहा हूँ बाली, और फिलहाल मैं एम्स्टरडैम के शिफोल एयरपोर्ट पे, और जग्गी भाई आया मुझे ड्रॉप करने। फिलहाल मेरी चेक इन गेट है गेट नंबर 12-15, वही अभी हम खोज रहे हैं, उस तरफ जाना है हमें। और डिपार्चर नंबर 2 है ना? हाँ, अरे गेट नंबर 12-15 और डिपार्चर नंबर 2। सो गाइज मैं कर रहा हूँ फिलहाल चेकिंग। चेकिंग करने का वक्त काफ़ी यूनिक तरीका है, यहाँ पे मशीन है, बस मुझे अपना टिकट नंबर डालना है, अपने पासपोर्ट डिटेल्स डालने हैं और चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। चलो भाई मिल गया मेरा बोर्डिंग पास, और पहले मैं जा रहा हूँ चाइना शियामन, वहाँ मेरी ले ओवर है 3 घंटे की, उसके बाद मेरी फ़्लाइट है वहाँ से बाली की। अभी फ़िलहाल मुझे जाना है गेट नंबर E19। तो भाई मिलते हैं फिर, कब मिलेंगे बाद में। गो हैव फन इन बाली, मजे करो, अय्याशी करो, ज्यादा नहीं। फॉर ऑल द ट्रीटमेंट भैया, वो बहुत अच्छा लगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। चल ठीक भैया, पहला वजन है भैया बोल रहा है। अरे तुम भैया है तो बोलना, बिहाइंड द कैमरा क्या क्या बोला है ना हमको। बोलेंगे तुम लोग अनसब्सक्राइब नहीं, अनफॉलो नहीं, ब्लॉक कर दोगे, YouTube खुद घर पे रेड मारेगा। मिलते हैं जल्दी, आराम से जाओ, हैव फन, सेफ रहना बस। ओके ब्रो, बाकी सब ठीक है। ओके चलो जाओ, बाय बाय, दफाओ, बाय बाय। अपनी बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, ये सामने वाली फ़्लाइट है हमारी, और व्यू तो काफ़ी अच्छा है इवनिंग का, क्योंकि जस्ट अभी सनसेट हुआ। मैंने मस्त से कि एम्स्टरडैम की सारी फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट की बहुत अच्छी हैं, और काफ़ी क्विक है इनका सारी सर्विसेज। मुझे कहीं भी किसी भी तरह का वेट या कोई भी तरह का मतलब एक्सटेंसिव लाइन मुझे नहीं लगाना पड़ा। फिलहाल एम्स्टरडैम में टाइम हो रहा है 12:30 रात के, और मेरी फ्लाइट 11.5 आवर्स की है हियर टू चाइना, एंड चाइना में डे ओवर है अराउंड 3 घंटे, फिर मेरी उसकी फ्लाइट है बाली की जो कि अराउंड 5 घंटे होने वाली है। तो बेसिकली मेरी टोटल जर्नी टोटल फ्लाइट का टाइम 20 आवर्स के करीब है। ये भाई मुझे मेरी सीट मिल गई, हमारा फ्लाइट है। तो भाई फ्लाइट टेक ऑफ हुए, हमें 2 घंटे हुए हैं, एंड डिनर में उन्होंने हमें सर्व किया थोड़ी राइस बीन्स विद सम चिकन, यहाँ एक ब्रेड है, उसके बाद वहाँ सैलड, ये शायद एक केक है, और थोड़े फ्रूट्स, साथ में थोड़ा बटर। ओवरऑल मील तो काफ़ी अच्छी लग रही है एंड हेल्दी भी। सुबह हम लैंड हो चुके हैं सियामन चाइना, मेरे सामने सियामन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मुझे ट्रांसफ़र के लिए जाना पड़ेगा ट्रांसफर्स में, यहाँ से लेफ्ट। एंड गाइस फ्लाइट काफ़ी लंबी होने की वजह से काफ़ी हेक्टिक थी, एंड अभी तक का मेरा सबसे लंबा फ्लाइट था डायरेक्ट, लाइक 11.5 आवर्स। उसमें सो भी ज़्यादा नहीं पाया, मुश्किल से 2 घंटे सोया होगा, और मुझे जेट लैग भी अभी से ही चालू हो गई, क्योंकि एम्स्टरडैम के टाइम के हिसाब से अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ दोपहर का 2 बज रहा है। फ़िलहाल भाई मैं चलने लग रहा गेट नंबर 51 की तरफ, मुझे अपनी बोर्डिंग पास मिल चुकी है यहाँ से बाली तक की। और ये है भाई फ़िलहाल इनका एयरपोर्ट, काफ़ी क्लीन है, सही है, और ये देखो आप एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। मेरी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करेगी अराउंड 2 घंटे बाद, और मैं क्विकली जा रहा गेट के पास। भाई वो एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि ज़्यादातर जो स्टाफ यहाँ इस एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर महिलाएं हैं, 90% अब उससे महिलाएं हैं, 10% मुझे कहीं बंदे दिख रहे हैं कोई गाड़ी चलाते या कुछ लगेज इधर उधर ले जाते। एक बात मुझे बताना था, बेसिकली ये फ़्लाइट जा रही है चाइना टू इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया इन जनरल इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, एंड सबको पता है कि मुस्लिम्स दे डोंट ईट पोर्क। सो अगर कोई फ़्लाइट चाइना टू इंडोनेशिया जा रही है तो उनके पास तो एक कोई ऑप्शन होना चाहिए खाने का रादर देन पोर्क। डूड दे लिटरली जस्ट हैड राइस विद पोर्क, नथिंग एल्स फॉर डिनर। और यहाँ बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम चाइना टू इंडोनेशिया विद दिस फ्लाइट करेंटली, दे हैड टू से नो टू डिनर बिकॉज दे कांट ईट इट।
एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज. सो गाइस मैं फाइनली लैंड कर चुका हूँ बाली एंड वीज़ा का प्रोसीजर काफ़ी ईजी था दोस्तों. बस मैंने 30 यूरोज़ कैश में पे करे, उन्होंने मुझे ये रिसीट दिया, फिर मैं गया. उसके बाद उन्होंने ये वीज़ा का स्टैम्प लगा दिया. बैग भी ले लिया मैंने, पैसे भी चेंज करा लिए भाई मैंने. मैंने दिया 100 यूरो, 100 यूरो के बने 1,640,000 समथिंग. काफ़ी ज़्यादा रिच फीलिंग आ रही है गाइस. अभी मैं आऊँ गाइस सिम कार्ड लेने, 250K इंडोनेशियन रुपी के पड़ रहे हैं 3 GB. सो भाइयों मैंने ये वाला प्लान सिलेक्ट करा है क्योंकि ये वैलिड है अराउंड 30 डेज और मेरी स्टे 10 से 12 दिन की होने वाली है. ये बस 7 दिन के लिए वैलिड था तो मुझे नहीं चाहिए. सो या अभी जा रहा हूँ मैं, वो रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करूँगा, उसके बाद मैं उनसे अपनी सिम कार्ड लूँगा. तो सिम भी आ चुकी है हमारे पास. ये कंपनी है XL और इंडियन रुपीज़ में मैंने पे किया अराउंड 1400 रुपये पूरे एक महीने के सिम के लिए. एंड या मैंने उन्हें फ़ोन दिया अपना अनलॉक करके, उन्होंने बाकी सारा काम कर दिया. यार यहाँ तो पूरा इंडिया वाला हिसाब है, जहाँ जाओ बंदे आ जाते हैं पीछे, टैक्सी टैक्सी टैक्सी. मैं ले चलता हूँ, मैं हॉस्टल बुक करता हूँ, मैं होटल बुक करता हूँ. ओ भाई काफ़ी अनोइंग है. बट मेरे 3 दोस्त इंडिया से भी आ रहे हैं, सो आई विल वेट फॉर देम. उनकी फ़्लाइट 4-5 घंटे बाद आएगी, तो आई विल ट्राई कि मैं कहीं मुझे जगह मिल जाए, मैं कुछ खा लूँ और उसके बाद मैं वेट करूँगा 4-5 घंटे, फिर वो आएंगे, फिर हम एक साथ होटल जाएंगे. सुबह यो खाने के लिए लिया मैंने एक बॉल ऑफ लेमन चिकन राइस, और क्वांटिटी तो कुछ खास नहीं है, बट होपफुली आज कभी का काम चल जाएगा. और ये मुझे पड़ी अराउंड आई गेस 800 रुपीज़ के करीब. यार मेरे फ्रेंड्स की फ़्लाइट लेट होने की वजह से मुझे लग गया और भूख, तो ये मैंने कर लिया अपना दूसरा मील ऑर्डर. इसको कहते हैं पोकी पोकी चिकन, और वीडियो एडिटिंग भी मेरी चल ही रही है. परफेक्ट. ये लो आ गया मेरा लफंटर फ्रेंड. चल भाई, ये लोग क्या कर रहा है वहाँ पे? ये कस्टमर मतलब पकड़ा है एसबीआई को. किसको? एसबीआई को, देखने में चोट जैसा था. आ गया दूसरा मेरा चौबू दोस्त. चल भाई बस बढ़िया. क्या वो एसबीआई को चोट जैसा लग रहा है देखने में? अमीर आदमी लोग को पकड़ा. अमीर आदमी लोग को पकड़ा. क्या होगी एसबीआई कर दिया आपके साथ? घड़ी के लिए पकड़ लिया था. कौन से घड़ी? कस्टम डिक्लेयर करना है घड़ी. अब मैं 3-4 घड़ी लाया था, बोल रहे बेचने के लिए लाया हो क्या? ये बोल रहा है कि चोर जैसा दिख मुझे. अबे नहीं, पूरा पूरा बैग चेक किया, फिर बोल रहा है कि घड़ी तुम 3-3 क्यों लेके आए हो, ये बहुत वैल्यू से ज्यादा है. बोल रहा है तुमको डिक्लेयर करना चाहिए. अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया ना. ठीक है तो आगे. बीच हट हॉस्टल, वही वाला हॉस्टल है. ठीक है, इंडिया वाला फीलिंग आ रही नहीं पूरा? जंगलपुर में भाई पूरे इंडिया की तरह लग रहा है. आर्किटेक्चर, लोग, दुकान, रहन सहन का तरीका. आशु क्या है ये? यहाँ पे कथकली सिखाया जाता है. कथकली सिखाया जाता है? क्लासिकल भाई. कथकली नहीं होता, वो मटककली होता है. कथक डांस फॉर्म कथक होता है. क्लासिकल ये लोग का सिखा रहा था. क्लासिकल इन लोगों का क्लासिकल. तो ये मुंह में देना बंद कब करेगा? हमारे हमसे ही चोरी हुआ. ये तू मुंह में देना बंद कब करेगा? हॉस्टल तो काफी सही लग रहा है यार. बहुत पैसा आंसू, कितना पैसा दे रहा अभी? मतलब 14 लाख. 2 दिन का पैसा कमी नहीं अपने पास. 14 लाख रुपया का स्टे हम लोग. एटा की एटा जॉल जॉल ना जेली. तीनों को दिलाने लाया मैं सिम कार्ड. सिम कार्ड लिया बेवन? 3 लाख कर लिया, तेरा घर जाएगा. 3 लाख रुपए का एक महीने के लिए सिम. तेरा पहला इम्प्रेशन क्या था बाली का? बलिया से बढ़िया था. और क्या है जो गोवा ही है महंगा. हर जगह जहाँ जाओ हिंदू गॉड्स एंड ऑल दिख रही हैं. आर्किटेक्चर बिल्कुल इंडिया जैसा ही है. लोग भी काफ़ी फ्रेंडली मैं बोलूँगा. और बस एक ही प्रॉब्लम है कि जहाँ जाओ टैक्सी 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 करने लग रहे हैं. यहाँ पे वो नहीं है. क्या यहाँ पे वो नहीं है? क्या गुरुद्वारा? खा लो अच्छे से सब खा लो. फिलहाल तो भाई हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल वापस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम गए थे चेक इन तो हो नहीं पाया था, क्योंकि उन्होंने बोला 2 बजे से चेकिंग है, और हम वहाँ 11:30 बजे ही पहुँच गए थे.
तुम तो हमसे एक दिन पहले पहुंचने वाला था। हम तो स्पेन जाने वाला था, तुम बाली लेके आए। हम तो स्पेन जाने वाला था, तुम्हारे पास वीजा नहीं दिया मुंह देख के तुम्हारा। हम कनाडा जाते जाते बाली आ गए हैं, और बाली में आ गए बहुत गर्मी लग रही है यहाँ, कुछ नहीं मिलता दोस्तों फिलहाल तो, मेरे को मन नहीं लग रहा यहाँ पे। देखते हैं आगे, अगर बैंकॉक बैंकॉक का माहौल बनेगा तो देखते हैं। राइस भी बासी मिल गया, राइस में ग्रेवी नहीं था भाई। ये जहाँ जाइए इसको बटर चिकन चाहिए तो कैसे होगा मामा, ऐसे नहीं होता है। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल, अभी प्लान है कि जाकर अपना चेक इन कंप्लीट करेंगे। पहले बस साइन वाइन कर आ गए थे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बीच के लिए। सो गाइस आप पीछे देख सकते हो हमारी हॉस्टल, हम फ्रेश होकर खा पी कर निकल चुके हैं और हमने ये स्कूटी कराया रेंट, हमें शायद 400 या 450 इंडियन रुपीज़ के करीब पड़ा है। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल वर्ल्ड के मोस्ट फेमस बीच क्लब, उसका नाम है फिन्स बीच क्लब, जो कि अराउंड यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है स्कूटी से। गाइज यहाँ की ट्रैफिक भी पूरी इंडिया की तरह है, यू कैन सी पूरा हालत ख़राब है। 10 किलोमीटर जाने में भी हमारा हालत बिगड़ रहा है। यहाँ पर स्टेप फार्मिंग हो रही है, ये काफ़ी यूनिक है सिटी के बीचों बीच। आ गए भाई बीच क्लब, ये एंट्रेंस। ये भाई यहाँ की बेस्ट चीज़, हर जगह जहाँ जाओ गणेश जी की मूर्ति, इवन क्लब के बाहर भी। भाई आकर तो समझ आ गया क्यों वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बीच क्लब है ये। वाइब बहुत तगड़ी है, लोग भाई बहुत ज़्यादा लोग है, यू कैन सी ऑल अराउंड। तो मज़ा आ रहा है, फुल वाइब आ रहा है ना। जैसा कि आपने देखा हमने किया बहुत एंजॉय, अब हम क्लब से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे कुछ खाने, देखते हैं क्या अवेलेबल है हमारे लिए। सो भाई हम डिनर करने आए हैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में, मैंने लिया चिकन सैलड, आशु ने लिया है राइस और भाई ने लिया है कुंग पाव। कुंग पाव तो यह आज का हमारा डिनर है, मैंने थोड़ा हेल्दी रखने का ट्राई करा है। एंड यार गुरन को देखो, अपना तो ऑर्डर नहीं करा बट दूसरे में से हिस्सा झाड़ना ज़रूरी है। So guys, आज का दिन हमारा यही होता है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं वापस अपने हॉस्टल की ओर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन साइनिंग आउट।